हेलो एवरीवन, सो अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू है तो इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ में जो ये बेल है उसे भी प्रेस कर दे, सो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सो आपको मेरी ये नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और इससे आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सो आज है मंडे। मंडे बहुत ही आज स्पेशल है। सो आप लोग सोच रहे हैं कि मंडे है और स्पेशल, इसमें ऐसा यूजुअल क्या है? नहीं, आज स्पेशल इसीलिए है, आज स्पेशल इसीलिए क्योंकि आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है और ये डबल डिजिट पे जा रहा है, दैट मीन्स 10th मैरिज एनिवर्सरी। और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, आज बहुत ही मैं खुश हूँ। सो आज कुछ स्पेशल भी बनाने वाली हूँ। और बट सुबह से ही अभिरूप का आज स्कूल है क्योंकि ये वीक लास्ट वीक है, उसके बाद उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये बदमाश है घर पे का। सो इसका तो छुट्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो हम लोग अभी, मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर ली हूँ और उज्जवल आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये हाफ डे करेंगे और उसके बाद वो आज घर से ही करेंगे। सो कल हम लोग बाहर गए थे बट आज थोड़ा काम है, अभिरूप का पियानो क्लास है, फिर उसका फुल डे स्कूल है। सो मैं सोची कि आज घर पे बनाती हूँ। कल हम बाहर गए थे, बाहर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, संडे था। सो कल साउंड आ रहा होगा। सो कल हम लोग बाहर गए थे, कल फादर्स डे और एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया और हमने बाहर लंच भी किया, बहुत ही अच्छा लगा। फैमिली टाइम इज़ ऑलवेज अ ग्रेट टाइम। और उसके बाद चलिए सुबह सुबह हो गया है, थोड़ा काम पे लग जाए, स्पेशल डे है तो क्या हुआ, काम तो रहता ही है। सो आज मैं बिंदी लगाई हूँ और उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि उज्जवल ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है। और शाम को देखते हैं, सोशिव के मंदिर जाऊंगी। सो बने रहिए मेरे साथ और चलिए काम पे लगते हैं एज यूजुअल। तो ये एप्रन उज्जवल ने मुझे खरीद के ला दिया है क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुम्हारा सारा ड्रेस ख़राब होते जा रहा है, लाइक किचन में काम करते करते और बर्तन भी साफ़ करना होता है। सो बोल रहे थे कि तुम पहनो, सो उन्होंने ख़रीद के लाया और काफ़ी अच्छा है। मेरे पास ऑलरेडी एक था लेकिन वो गंदा हो गया था, सो बोले कि तुम पहन के ही ये वाला करो वरना तुम्हारे सारे ड्रेस ख़राब हो जा रहे हैं। सुबह से ही मैं अभी जल्दी जल्दी काम पे लग गई हूँ, जल्दी जल्दी काम को निपटा रही हूँ ताकि कुछ टाइम मैं उज्जवल के साथ भी आज पार कर सकूँ, क्योंकि हाफ़ डे उन्होंने लिया है तो वो घर पे रहेंगे तो मैंने सोचा है कि थोड़ा साथ में बैठेंगे, बात बात करेंगे। तो मैं अभी लंच के लिए सिंपल बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनाने जा रही हूँ। सो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है और इसमें सिंपली जो खड़े मसाले होते हैं दालचीनी, जीरा, इलायची, लौंग डाला है। सो आफ्टर सम टाइम मैं उसमें चॉप्ड ऑनियन डाल रही हूँ और इस ऑनियन को हमें टिल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन करी। सो अब ऑलमोस्ट जो ऑनियंस था वो फ्राई हो गया है। सो अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। मैंने अराउंड हाफ 1 kg जैसा चिकन लिया है। सो इसमें मैं चिकन को डाल रही हूँ, चिकन पीसेस को, और हमें इसे थोड़ा ब्राउन तक फ्राई करना है, चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सो
सो अब ये ऑलमोस्ट चिकन जो है फ्राई हो गया है. सो इसमें मैं अराउंड 3 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा जो मटन मसाला होता है अराउंड 1/2 स्पून जैसा डाल रही हूँ और इसमें मैं अराउंड 2 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ. इसमें स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ. ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा डाल खाते हो. सो अभी हमें इन मसालों को अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेना है. ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही यमी रहता है. बहुत ही यमी टेस्टी चिकन करी बनता है. सो अभी हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है. सो अभी इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करी हूँ. तो इन मसालों को हमें फ्राई करना है अराउंड 10 मिनट्स तक हमें फ्राई करना है ताकि कोई भी इसमें कच्चापन नहीं रहे. सो अभी मैं फ्राई करने के लिए रख दी हूँ. सो अब ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है तो इसमें मैं 1/2 टोमेटो कट करके मिक्स कर रही हूँ और हमें अराउंड 5 मिनट्स तक इसे फ्राई करना है. सो अब ये ऑलमोस्ट चिकन फ्राई हो गया है और देखिए कलर कितना अच्छा आया है और चिकन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है. सो अब मैं इसमें अराउंड 1 ग्लास जैसा पानी डाल दूंगी और इसे अराउंड 10 मिनट्स तक पकने के लिए रख दूंगी. सो ऑलमोस्ट लाइक मैंने अभी राइस क्लीन कर लिया है और जो चिकन है वो मैं फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं बना लूंगी. सो वेदर भी क्लाउडी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. उसके बाद थोड़ा जैसे घर का काम वाम तो चल ही रहा है. सो जल्दी बना लेती हूँ खाना और फिर देखते हैं जब अभिरुप स्कूल से आएगा 4 बजे, क्योंकि आज मैंने बोला कि हाफ डे कर लो या तो जल्दी आ जाओ या तो मत जाओ. तो उसका मूवी डे चल रहा है तो लग रहा है कि क्यों एक चीज़ के लिए फिर छुड़वाना. सो स्कूल गया है और स्कूल से आएगा उसके बाद ही हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए और उसके बाद मंदिर जाएंगे, उसके बाद आएंगे घर में, फिर उसका पियानो क्लास भी है. सो करते हैं जल्दी. तो बासंती पुलाव जिसे मिस्टी पुलाव कहते हैं बनाने के लिए मैंने जीरा राइस, काली जीरा राइस लिया है. सो इसे धो करके मैंने ट्राई करने के लिए रख दिया था. सो अब मैं इसमें अराउंड 2 स्पून घी डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और इसमें अराउंड 2 स्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ. फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ. साथ में इसमें मैं थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ. ये थोड़ा मीठा होता है तो मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर रही हूँ और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है घी के साथ और मसालों के साथ. ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है. सो मैं अब इन खड़े मसालों को डाल रही हूँ, दालचीनी, लौंग, इलायची. अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा कैशियो नट्स और थोड़ा रेजन्स ऐड कर रही हूँ. सो अगेन हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो नट्स और जो रेजन्स है वो अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाए. सो ये अब अच्छी तरह मिक्सअप हो गया है. देन इसमें मैं राइस कुकर में बना रही हूँ.
सो इसमें मैं थोड़ा तेल डाली हूँ, इसमें जीरा लौंग इलायची ऐड की हूँ। सो अब इसमें मैं अराउंड 2 ग्लास जैसा पानी ऐड कर रही हूँ। आप कोई बर्तन में भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं जो राइस को मिक्सअप की थी सो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है और राइस कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाता है, ऐसे ये खुले बर्तन में भी बहुत ही अच्छा बनता है। सो ये फाइनल जो मिष्टी पुलाव है वो बन करके रेडी हो गया है और ये चिकन भी अब रेडी हो गया है। सो इट्स टाइम टू सर्व दिस। तो अभी आम का मौसम है तो मैं आम को भी एक कट करके ऐड की हूँ। सो हमारा खाना तो हो गया था बहुत पहले ही और खा के थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट ले लिया और उज्ज्वल का भी काम ख़त्म हो गया है। सो हम लोग अभी मंदिर जाएंगे। अभिरूप स्कूल से आ गया है और उसने शावर भी ले लिया है। सो अभी हम लोग इस मंदिर जाएंगे और बस वो खाना खा रहा है। सो जब तक मैं तैयार होती हूँ तब तक आप कल का थोड़ा क्लिप देख लीजिए कि हम लोग ने फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया है और कहाँ हम लोग गए थे। सो तब तक आप इंजॉय कीजिए, मैं तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। अभिरूप ने बोला कि फादर्स डे के लिए चलो केक बेक करते हैं, तो मैंने घर पे ही केक बेक किया और बहुत ही इजी वे पे केक बेक किया और सारे नट्स और टूटी फ्रूटी डाल के बहुत ही अच्छा केक बन जाता है। सो ये फाइनली केक बेक होके आ गया और मैंने थोड़ा इसमें जेम्स डाला था ऊपर में। तो अब थोड़ा इसमें मैं आइसिंग करूँगी। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, मुझे आता नहीं है। सो मैं जस्ट थोड़ा ही आइसिंग कर रही हूँ। मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट है और जो कि मैंने मुझे उज्जवल ने दिया है। सो ये नोज पिन है। मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था एक नोज पिन खरीदने का, तो मैंने एक नोज पिन लिया और बहुत अच्छा है, नया तरीका का है। सो मैं सिर्फ नोज पिन लेने के लिए ही गई थी लेकिन वहाँ पे मंगलसूत्र था तो उन्होंने बोला कि तुम ले लो, बहुत ही अच्छा है ये मंगलसूत्र, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि यहाँ पे एडिसन में बहुत अच्छे अच्छे दुकान हैं। सो मैंने वहाँ से लिया और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे तरह के और दूसरे भी बहुत सारे थे। सो मुझे ये अच्छा अभी लगा। हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग अभी लंच पे जा रहे हैं और ये नोज पिन देख रहे हैं जो मुझे गिफ्ट मिला है एनिवर्सरी में। सो वो नोज पिन मैं पहनी हूँ और मंगल सूत्र मैं फिर जब मंदिर जाऊँगी तब पहनूँगी। सो आज संडे है और वेदर भी वैसे ही क्लाउडी है। सो वही हम लोग रेडी हो गए हैं जल्दी जल्दी और बस जाने की तैयारी है। सो लेट्स गो विथ मी। सो ये एक इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट था और चाइनीज लाइक चिली वगैरह बहुत ही टेस्टी था।
सो हम लोगों ने वही लंच किया वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना. सो हम लोग का अब खाना हो गया है और हम लोग पूरे फुल हो गए हैं. सो डिड यू एंजॉय द लंच अनिरुद्ध? यस. यू लाइक इट अभी? या. सो हम लोग पूरे फुल हो गए हैं और अभी जा रहे हैं घर. थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेंगे, आराम से सो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं, फिर आप लोगों से बात किया जाएगा. सो अभी तो बहुत सनी हो गया बाहर और बहुत गर्मी लग रहा है. सो चलिए फिर मैं आप लोगों से फिर बाद में मिलती हूँ. और ये आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये नोज़ पेन, कमेंट भी लोग कीजिएगा. सो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि पूरा फुल हो गया है तो अब थोड़ा सोने का मन करता है. सो अब मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए. मैंने ये साड़ी पहना है और यहाँ भी यूजुअली कभी कभी जब जाते हैं टेम्पल तो हम लोग साड़ी पहनते हैं. सो ये रहा मंदिर. ये बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत शांत था मुझे लगा. और हम लोग गए और थोड़ा बैठे और कितना ग्रीन हो चुका है, लाइक इस समर में पूरा ग्रीन हो जाएगा, फिर फॉल में सब खाली. और ये मंदिर है, अंदर बहुत ही अच्छा मंदिर था और बहुत शांत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि बैठे रहूं. सो हम लोग थोड़ा देर बैठे फिर अभी घर जा रहे हैं. सो होप करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं सो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल